नमस्कार बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर। हाँ जी बच्चों, आपके यही पेपर आने वाला है, यही ओरिजिनल पेपर आपका पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है। 2024 की एग्जाम है जी बच्चों। तो ये आपका पेपर है 6th क्लास का, और अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर। तो लेट गेट स्टार्ट। तो खंड ए में क्या है प्रश्न। प्रश्न संख्या एक से चार में प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां ए बी सी और डी दर्शाई गई है। इन चार आकृतियों में से तीन आकृतियां किसी विधि से एक मान्य है, जबकि एक आकृति अन्य से विभिन्न है। अन्य से विभिन्न आकृति का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट। ओके, तो इसमें क्या करना है कि भाई ए बी सी डी आपको दी गई है, उसमें से चार आकृतियाँ है, उसमें से तीन आकृतियाँ क्या है किसी, मतलब एक समान है और एक जो है मतलब अलग है। तो आपको बताना कि भाई जो एक है वो कौन सी अलग है। बच्चों आपको बताना कि जो एक है वो कौन सी अलग है। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो आपकी एक है वो ये अलग है कि नहीं, ये अलग है ठीक है। फिर इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी अलग है। तो इसमें आपका अलग है ये वाला, और ये वाला आप ये वाले में भी ये है ठीक है बच्चों, और इसमें है आपका ये ठीक है ना। ये नहीं है सॉरी, इसमें ये। ओके हाँ चलो आ जाते हैं विभाग दो में। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और समस्या आकृति दी गई है, तथा दाई और ए बी सी और डी चिन्हित चार उत्तर आकृतियां बताई गई है। उत्तर आकृतियों से आकृति से समरूप आकृति को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ओके अभी यहाँ पर क्या है कि भाई आपको ये दिया गया है, और सेम टू सेम आपको इस तरफ भी दिया गया है, मतलब ये जो आपको ये देखो ये जो आपको दिया है इसी तरह यहाँ पे कोई सेम है। तो कौन सा सेम है, इसमें ये वाला है ठीक है, इसका जैसा इसमें से कौन सा है, ये वाला है ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपका पूरा ये दोनों आपको खुद से करने हैं। विभाग सी में 3 में आते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और समस्या आकृति दी गई है, जिसका एक भाग विपरीत है दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित चार आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों पर गौर कर तथा ओके अब इसमें क्या करना है कि भाई आपके यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है। अगर इसमें आप ये वाला डाल रहे हो तो ये इसमें आ रहा है कि नहीं, अगर ये डाल रहे हो तो ये आ रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर आएगा आपका डी ठीक है बच्चों। इसमें कौन सा आएगा ये आप मुझे बताना, तो इसका मैं बता देती हूँ। इसमें आपका आएगा ये ए नंबर का जी बच्चों। इसमें आपका कौन सा आएगा जल्दी से बता दो। आपका इसमें आएगा ये वाला ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें बोला गया है कि भाई देखो इसमें एक यहाँ पर है, तो एक इधर और एक इधर बताया गया है। अब इसमें एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसमें कौन सा आएगा जल्दी से बता दो, कौन सा आएगा। ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, 2 3 4 वाला आएगा, 2 अंदर 2 बाहर। वेट ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका कौन सा आएगा देख के बताना फटाफट। ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये वाला आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला ठीक है। ये दोनों आपको करके बताना है ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको ये करना है, फिर इसमें आपका आएगा ये वाला, ये ठीक है। ये क्यों हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई साहब। चलो अब इसमें कौन सा आपका मतलब जो पार्ट है वो इसमें सूटेबल होगा, मतलब इसमें मैच हो जाएगा ये बता दीजिए इसका। चलो मैं बता देती हूँ फटाफट से, इसमें आपका आ जाएगा ये वाला ठीक है। अब इसमें कौन सा आएगा जल्दी से देख के बताओ। जी बच्चों एकदम सही, ये वाला आएगा ठीक है। इसमें कौन सा आएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। मिल गया आपको, ये वाला आएगा देखो जो सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये वाला आएगा ठीक है।
चलो तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन इसका सिमिलर आपको बताना है। चलो अभी हम करते हैं ये क्वेश्चंस, कहाँ गए यार इनको, इसमें क्या करना है आपको कि इसको जोड़ के आपका क्या बनेगा ये आपको इधर बताना है। ठीक है बच्चों, अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। ये देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है चलो तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओके दो 2600 प्राप्त करने के लिए 80 और 20 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है 6/1/8 को दशमलव रूप में देखिए लिखिए। दो संख्याओं का योग 1475470 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 कम है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब 33,330 को 11 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। 231 की के अभाय अपजाय अपजाय गुणखंडों की संख्या है। विनय को एक परीक्षा में अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त होते हैं। यदि अधिकतम अंक 300 है तो उसे कितने अंक मिले। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकंड रुकिएगा। 80 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक बस 6 घंटे में एक यात्रा करती है। यदि गति को घटाकर 20 किमी प्रति घंटा कर दिया जाए तो उसे तो उसी यात्रा में कितना समय लगेगा। महेश ने एक स्कूटर 25,000 में खरीदा और उसे 35,000 में बेच दिया। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8% प्रति वर्ष की दर से 21/2 वर्ष के लिए 1200 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बगीचा 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा है। सुरेश बगीचे के 6 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है। मेरा तो गला पड़ गया। एक व्यापारी ने उसका उसके द्वारा उधार ली, एक सेकेंड ओके एक व्यापारी ने उसके द्वारा उधार ली गई 4,000 की राशि पर 1,000 का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में भुगतान किया। ब्याज दर दर ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों अभी हम आ चुके हैं 52 नंबर पे। एक पात्र में 5 लीटर और 760 मिली दही 20 मिली क्षमता वाले कितने गिलासों में इसे बटा जा सकता है। एक कालीन 7.70 मीटर लंबा है और 4.85 मीटर चौड़ा है। कालीन एक फीते से गिरा हुआ है। फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए। 14, 15, 16, 17, 18 और औसत ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की गति से 960 किमी की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य ज्ञात कीजिए। एक जोड़ी जूते की कीमत एक टोपी से दुगनी है। यदि 4 जोड़ी जूते का मूल्य 1,000 है तो 3 जोड़ी जूते और 6 टोपियों का मूल्य क्या होगा। एक फल विक्रेता 4 रुपये प्रति दर्जन या 5 रुपये प्रति केले के हिसाब से केले बेचता है। 99 केले खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। 5/8 × 20/3 / 6/5 का सरल ज्ञात कीजिए। राहुल संतरे के रस की 8 बड़ी बोतलें खरीदता है। प्रत्येक बोतल में 650 मिलीलीटर रस है। उसके पास कुल मिलाकर कितना संतरे का रस है। 5 आदमी या 10 औरतें एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये पूरे क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भाई पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को आपको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे, उसका आंसर्स बताना है। चलो पैराग्राफ एक दो बार हम रीड कर देते हैं, बाकी के आप खुद से कर लीजिएगा।
ठीक है। शिष्टाचार का अर्थ है विनम्र, एक सभ्य समाज के तौर तरीके और आचार। आचार एक सीखते हैं कि हम सीखते हैं कि एक सभ्य व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम अक्सर अपने माता पिता और शिक्षकों को कहते सुनते हैं, अपने से बड़ों की बातें बात मानो, धीरे बोलो, विनम्र बनो और दूसरों की मदद करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सब शिष्टाचार है। अब हम शिष्टाचार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जब हम सुबह किसी से मिलते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग करना चाहिए, और अगर हमें हमारी किसी भी तरह से मदद करता है तो हमें बदले में धन्यवाद कहना चाहिए। इस तरह अगर हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हमें कहना चाहिए, सर अगर आपको कलम की ज़रूरत है तो कहे, मेरे पास कलम नहीं है, कृपया मुझे आपकी कलम मिल सकती है। हमें ऐसे बोलना और व्यवहार करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले। शिष्टाचार का अर्थ है, सुबह जब किसी से मिले तो क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर कोई आपकी मदद करे तो बदले में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। अपने बड़ों की बात करते समय क्या करना चाहिए? सर खुशी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, खुशी का पर्यायवाची क्या है? हर्ष। ठीक है, खुशी भी होगा। अब ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपको रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं रीड कर लेती हूँ। मानसिक कार्य करने वालों के लिए क्या आवश्यक है? हमारा स्वास्थ्य कौन सुधारता है? आजकल कई छात्र खेलों में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, वह क्या खराब कर रहे हैं? खेल कितने समय के लिए खेलना चाहिए? बहुत का विपरीत क्या है? चल इसमें एक बार पैराग्राफ जो है मैं रीड कर लेती हूँ, साला आप रीड कर लेगा। एक बार एक जंगल में एक शेर सो रहा था, वहाँ एक चूहा आया और उसके पास उसके ऊपर से भागने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा, लेकिन चूहे ने अनुरोध किया, सर मुझे जाने दो, शायद मैं भविष्य में आपकी मदद कर सकूं। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर को पकड़ लिया। जब शेर दहाड़ा तो चूहे ने उसकी मदद की और उसे आज़ाद कर दिया। शेर कहाँ सो रहा था? शेर के पास कौन आया? कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने किसे पकड़ लिया? चूहा का बहुवचन क्या है? पर्यावरण व्याकरण की दृष्टि से वह क्या है? ठीक है, ये वाला पैराग्राफ भी चलो मैं रीड कर ही लेती हूँ। एक सेकेंड। हाँ ओके। पिछले महीने में ट्रेन से अपने दोस्त से मिलने आगरा गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, मैं उसमें घुस गया और खिलाड़ी खिड़की के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर झाँक रहा था। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन आगरा में रुकी, मेरा दोस्त वहाँ था। मैं आगरा कब गया? मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। अच्छा, झुकना का समानार्थी क्या होता है? अंतिम का विपरीत क्या होता है? तो बच्चों ये था हमारे नवोदय का पेपर था। ओरिजिनल पेपर है 2024 का, कक्षा 6 का। तो इस तरह से हमने आपके लिए बहुत सारे पेपर्स भी अपलोड करके रखे और आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे पेपर आपके लिए डालेंगे। तो हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाकर स्टडी विलेज सर्च कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।